ये हैं हिंदी की प्रमुख कथाकार और एक कहानी यह भी और रजनी की लेखिका मन्नु भंडारी। आइए आज हम इनसे कुछ बातचीत करें, कुछ पूछें, कुछ सुनें। मन्नु जी, आप एक प्रख्यात लेखिका भी रही हैं और अध्यापिका भी। आपके जीवन का कोई ऐसा प्रसंग जो आज भी आपको युवा रखता है और आपके जीवन में ताजगी भर देता है? युवा बनाए रखने वाले प्रसंग तो बहुत हैं, पर ऐसा कोई मैं आपको जिनका उल्लेख कर सकूं एकाएक, ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पर देखिए, युवा आदमी बनता है मन से, उम्र से नहीं। उम्र तो मेरी बहुत ज़्यादा है, पर मैं उतनी उम्र की अपने को महसूस नहीं करती हूँ। अब इसके पीछे कौन कौन से प्रसंग रहे हैं जी, पढ़ाते समय या लिखते समय, जो भी रहे हों, पर ये सही बात है कि मैं आज अपने को उतनी उम्र वाली नहीं महसूस करती जितनी वास्तविक मेरी उम्र है। आप अंदाज लगा सकती मेरी उम्र क्या है? आपने आप पढ़ लिया होगा, 70 के आसपास? नहीं नहीं, 78 प्लस। अरे वाह, मैं हूँ। नहीं, शक्ल से शायद लगती हूँ मैं, लेकिन मन से नहीं लगती हूँ। मन से आज भी मुझे कुछ करने का जोश है, इच्छा है, आकांक्षा है। नहीं कर पाती हूँ शारीरिक स्थिति के कारण, वो अलग बात है, लेकिन इच्छा तो बहुत है कि मैं अभी भी करूँ। ऐसा हाथ पैर ढीले नहीं छोड़ दिए मैंने कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब क्या, तो मैं बूढ़ी हो गई। ना ना तो बुढ़ापे का शब्द मैं अपने साथ कभी लगा पाती हूँ, और ना कुछ ये कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अध्यापिका हूँ और मेरे पास ऐसी दो छात्राएं हैं जो हर समय पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इतना मतलब मज़ा आता है उनके साथ रहने में कि हर समय कुछ ना कुछ पूछती रहेंगी। तो निश्चित रूप से आपकी भी कुछ छात्राएं ऐसी मेरी रही तो होंगी। आप सोचिए, स्कूल के दिनों की छात्राओं की बात मैं करूँ जी, जब, और ये चीज़ उनको मैंने सिखाई थी सच पूछिए तो, कि कोर्स के बाहर का पढ़ो, असली पढ़ाई वो होती है। कोर्स की किताबें पढ़ ली, इम्तिहान पास कर ली, इसको मैं बहुत पढ़ाई नहीं मानती हूँ। असली पढ़ाई जो कोर्स के बाहर की किताबें जी, जो लिखी जाती हैं, जो उनको पढ़ो और पढ़ के सोचो, उनके ऊपर विचार करो। कोर्स की किताबों से क्या क्वेश्चन हो गया, जवाब दे दिए, बस बात खत्म। लेकिन नहीं, और उन लड़कियों में ये मुझे शीला अग्रवाल ने सिखाया जी, कि बाहर की किताबें पढ़ के, एक एक किताब पर हम जितनी चर्चा करते थे, छुट्टियों में लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख के चर्चा करते थे, वो मैंने उनको सिखाया जब मैं स्कूल में थी, कि तुम बाहर की किताबें पढ़ो। और ऐसी उनकी प्रतिक्रिया उनके ऊपर हुई इस बात, इन सारी बातों की, कि वो कोई किताब नई से नहीं आती मार्केट में, वो पढ़ती। ये गनीमत है कि वो खरीद के पढ़ सकती थी। संपन्न लड़कियाँ थी, मारवाड़ी परिवार की लड़कियाँ थी या पंजाबी परिवार की, पर संपन्न परिवारों की लड़कियाँ थी। वो खरीद लेती थी किताब, पढ़ के घर आती थी चर्चा करने के लिए। स्कूल में समय नहीं मिलता था तो घर आती थी। मैं उनसे लिखने के लिए प्रेरित, तो वैसे मैगजीन नहीं निकलती थी हमारे स्कूल की शुरू में, मैं पहले वॉलपेपर मैगजीन निकलवाती थी, फिर मैगजीन निकलने लगी। तो वो लड़कियां तो बहुत थी मेरे पास, तो आज भी मैं कलकत्ते जाती हूँ और उनमें से जो लड़की दादी नानी बन गई मेरी स्टूडेंट्स भी, लेकिन वो मुझसे मिलने आएंगी। और आज भी जिस तरह का जोश वो पढ़ने लिखने के लिए दिखाती हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ, जो ये किताबें आई हैं मेरी या और दूसरों की, वो पढ़ी हुई हैं, बातें करने लगती हैं वो किताबों के। मैंने कहा तुम अभी भी इतना पढ़ती हो? बोले ना पढ़े तो मन ही नहीं, यानी उनका समय नहीं गुजरता बिना पढ़े। एक आदत में आ गया है, एक आदत में आ गया है पढ़ना। और ये मैं इसे अपनी सफलता भी कहूँ या ये मैं अपना सौभाग्य कहूँ कि मुझे ऐसी छात्राएँ मिली जिन्होंने बराबर मुझे भी सक्रिय रखा पढ़ने के लिए। आपने अनेक पटकथाएँ लिखी हैं, रजनी की पटकथा भी आपने लिखी, टीवी पर आजकल अनेक सीरियल आ रहे हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है? देखिए, रजनी एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी बनाई थी, जिसकी पटकथा भी लिखी थी, कहानियाँ भी बहुत अच्छी थी, तो कहानियाँ भी मैंने ही लिखी थी। मैं आपको उसका ज़रा सा उदाहरण दूँ। बासु चटर्जी फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत यशस्वी डायरेक्टर हैं। इसी कमरे में बैठ के, वो हमारे घर, वो ठहरेंगे होटल में, खाना यहीं खाएंगे, बातचीत सारी गपशप यहीं करेंगे, तो वो बैठ के यहाँ पे बैठ के उन्होंने कहा कि मनु जी, मुझे एक ऐसे चरित्र का निर्माण करना है, एक ऐसा सीरियल बनाना है जिसमें एक ऐसा चरित्र हो, हम लोग कोई अन्याय होता है, कुछ अनुचित होता है समाज में, हम भुन 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 तो बहुत करते हैं,
ड्राइंग रूम में बैठ के कर लिया, कॉफी हाउस में बैठ के कर लिया, या कहीं कर लिया, पर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, केवल आवाज़ ही नहीं उठाए, एक्शन में जिसे कहना चाहिए और अंत तक उसको ले जाए कि जब तक उस चीज़ के खिलाफ यहाँ तक हम जाएं कि उसको दूर करें, समाधान निकालें। हाँ, समाधान निकालें और कुछ न कुछ, यानी वो अन्याय खत्म होने की दिशा में कुछ सक्रिय हो। तो ऐसा मुझे एक चरित्र चाहिए। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा कि सचमुच समाज में अगर इस तरह का एक चरित्र होगा, उसको देख के और चार जुड़ेंगे और चार जुड़ेंगे, और एक फिर सामूहिक रूप से अनुचित अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की एक सशक्त एक वो बनेगी जिसे कहना चाहिए। तो वासु ने कहा, तो मैंने कहा कि ठीक, बोले फिर इसको जिम्मा आप लीजिए। मैंने कहा वासुदा, मैं इतना जिम्मा पूरा नहीं ले सकती, आप करिए, मैं जितना सहयोग हो सकेगा दूंगा। उन्होंने बनाया, पहला एपिसोड ठीक था, दूसरा और तीसरा इतना ख़राब, उसका कोई लेना ही देना नहीं चरित्र के साथ। तो मैंने फ़ोन करके वासुदा से कहा, मैंने कहा वासुदा ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ तो आपने क्या कहा था कि हमको एक ऐसा चरित्र बनाना है जो अन्याय के, जहाँ कुछ भी गलत हो, अन्याय होनी चाहिए, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, छोटी छोटी, गैस वाला आया कम गैस दे गया, कहीं आप जाइए राशन लेने जाइए तौल में कम कर दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें क्यों हों, इनके खिलाफ भी तो आवाज़ उठनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा पर आप ये क्या करने लगे, तो बोले फिर आप लिखिए। तब मैंने एक एपिसोड लिखा, जो लिखा मेरा कहानी थी थ्री व्हीलर जो यहाँ है, ये जिस तरह से करते हैं बॉम्बे में, क्योंकि थ्री व्हीलर नहीं चलते हैं, तो उन्होंने टैक्सी पे कर दिया उस एपिसोड को। वो इतना चर्चित हुआ और उस रजनी सीरियल एकदम बिल्कुल जिसे कहना चाहिए उस एपिसोड के बाद एकदम लाइमलाइट में आ गया जिसे कहते हैं। तो पर वहाँ के टैक्सी वाले बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि वो इस तरह की नहीं करते हैं चीज़ें, बेईमानी आया छोटी मोटी। और वो जो मैंने लिखा था वो बिल्कुल रियल घटना पे लिखा था कि मैं स्टेशन आई, मेरा घर 5 किलोमीटर दूर था उस समय, शक्तिनगर में रहती थी, तो कोई सवेरे मुझे लाने को ले जाने को तैयार नहीं। तो मैं पुलिस वाले को बना हुआ था, मैं उनके पास गई कि देखिए मुझे एक स्कूटर दिलवा दीजिए, कोई मुझे ले जाने को तैयार ही नहीं है, कौन नहीं है। वो आया पुलिस वाला साथ, जिस नंबर का स्कूटर था, जैसे ही वो आके खड़ा हुआ, उन्होंने मेरा सामान रखा और कहा इनको ले जाओ जहाँ जाना चाहती हैं। उसने जितना फन्ना के स्टार्ट किया तो मैं समझ गई मुझे रस्ते में छोड़ेगा, ये ज़रूर रस्ते में मुझे छोड़ेगा और तंग करेगा। और वही हुआ, आधा किलोमीटर दूर जाके कह दिया मेरा स्कूटर ख़राब है, आप उतर जाइए। मैंने कहा मैं नहीं उतरूँगी, तुम ठीक तो कराओगे ना। यानी वो एक रियल घटना थी, वो जो कि त्यों मैं नहीं उतरी उस स्कूटर से। मैंने कहा, तो बोले कि मैं करा लूँगा, ठीक आपको इससे क्या मतलब है। मैंने कहा नहीं, ठीक कराने के लिए ले जाओगे कहीं या किसी मैकेनिक को लाओगे, कुछ तो करोगे ना। मैं बैठी हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं घर जाने की। अब वो इतना गुस्से में कि बस, खैर फिर उसने थोड़ी देर बाद, मैं बैठी रही आधे घंटे तक, उसको लगा ये तो बड़ी ज़िद्दी महिला है, हिलने का नाम नहीं ले रही है। तो एक और स्कूटर जा रहा था, उसको आवाज़ दी कि इधर जा, तो उसने शक्तिनगर की तरफ कहीं नाम लिया। तब उसने कहा ये सवारी ले जाओ भैया तुम मेरी, तो मैं फिर उसमें बैठ के गई। लेकिन जितना तंग करते हैं, ये घटना मैंने जो की थी लिख दी थी। दिल्ली में तो आज भी यही स्थिति है, ऑटो वाला या टैक्सी वाला कहीं जाने के लिए तैयार होता नहीं है, पास की जगह नहीं जाना चाहता है, नहीं ले जाना चाहता। अच्छा, मीटर ठीक नहीं रहते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पर वहाँ के बम्बई वाले, मैंने सुना सारे बम्बई वाले झुंड बना के और पहुँच गए दूरदर्शन कि हमारे खिलाफ आपने ये लिखा कैसे। लेकिन बम्बई में ऐसी स्थिति है नहीं, बम्बई के ऑटो या टैक्सी वाले आधा किलोमीटर भी जाना होगा तो आपको लेके ले जाएंगे। इसीलिए ना, उस समय ऑटो तो थे ही नहीं बॉम्बे में, ये जब बनी थी तो मुझे तो खैर ये घटना मालूम भी नहीं। यहीं पे प्रिया तेंदुलकर जो वो रजनी का रोल करती है, वो और वो जो उसका हस्बैंड का रोल करते हैं, वो दोनों यहाँ आए थे घर ही। तब प्रिया ने बताया कि मेरी ऐसी मुसीबत हो गई कि मुझे बुला के कहा कि माफ़ी मांगो हमसे। मैंने कहा मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मुझे तो ऐड करने के लिए कहा था, मैंने ऐड कर दिया। जिसने स्क्रिप्ट लिखी उससे कहो वो माफ़ी मांगेगा आपसे। तो अब मन्नू भंडारी को बुलाओ दिल्ली से। तो यानी ये तमाशा हुआ काफ़ी,
पर वो सी रजनी सीरियल एकदम ऐसा क्लिक किया उसके बाद, तो ईमानदारी से यानी उस कैरेक्टर को जिस तरह से था, लेकिन होता क्या है कि जब उस एक चल पड़ता है एक सीरियल तो पैसा बहुत मिलता है बनाने का, तो उसको घसीटे जाते हैं उसका दम निकाल देते हैं जिसे कहना चाहिए, फिर उसमें वो बात नहीं रहती है। और यहाँ सोचो यहाँ राशन की दुकान वाला कहने लगा, अरे भैया यहाँ तौलना ठीक, यहीं रहती है वो रजनी वाली, यानी ये मेरी प्रसिद्धि हो गई कि मैं रजनी वाली हूँ, यहीं गैस लेके आया तो ऐसे कर रहा अपने दोस्त के साथ कि नहीं यहाँ यहाँ ठीक से देना है, दूसरा सिलेंडर लेके आया। मैंने कहा दूसरा क्यों मंगवा रहे हो भाई, नहीं नहीं वो दूसरी ये जरा ठीक नहीं है। मैंने कहा कहो कि इसमें कम गैस है, कुछ पूरी गैस के भरे होंगे वो मंगवा रहे हो तुम, अरे अब आप छोड़िए ना करके उसने दूसरा सिलेंडर मंगवाया। तो मैंने देखा कि मेरी तो रजनी के नाम से मेरी दो एक पत्र आए परिवार की थी वो बच्चियाँ, कि मैं तो इतना जोश आ गया मुझे, मैं तो रजनी बनी हुई आजकल घर में, कोई कुछ मेरे खिलाफ कर तो दे देखें, ये करे वो करे। तो एक होता है इस रजनी सीरियल का बड़ा प्रभाव पड़ा था, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, लेकिन इसको इतना ज़्यादा निचोड़ा कि ख़त्म हो गया। और आज के सीरियल से तो क्षमा करना है, पारिवारिक सीरियल हैं ये। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एक आपत्तिजनक बात जो मुझे लगती है कि एक स्त्री कैरेक्टर जरूर ऐसा है जो वैम्प है, जो खलनायिका के रूप में व्यक्त किया गया। अरे भाई एक पुरुष को ही रख दो ना खलनायक की तरह से, हर यानी सीरियल में तुम देखोगी कि एक खलनायिका स्त्री रखा गया, और फिर वो भी खींचते चल रहे हैं रगड़ते जा रहे हैं। 100 कितने 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, विषय की कमी हो गई है या फिर ये बड़े पैसा मिलता है इसलिए उसको घसीटते जाते हैं। विषय की कमी तो क्या बहुत विषय निकल सकते हैं, लेकिन एक एक एपिसोड से सक्सेस हो गई। जैसे अब ये एक बालिका वधू आ रहा है, अब ये घसीट कुछ ना कुछ उसमें जोड़े जाएंगे, नए नए प्रसंग जोड़ के कुछ तो भी करके आगे बढ़ाते चलते हैं। लेकिन बड़े लेखक इससे नहीं जोड़ रहे हैं लेखन में, हाँ नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो विजुअल जो दृश्य का होता है का माध्यम, और एक शब्द का तो लिखने का है, लिखने में आप पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। जब आप दृश्य माध्यम के लिए काम करते हैं तो आपको बहुत सारी उस जो निर्देशक है या जो वहाँ का जो प्रोड्यूसर जिसे कहना चाहिए वो है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको अपने को ढालना पड़ता है। तो वो लेखक नहीं मंजूर करता है इस चीज़ को कि मैं किसी और के आदेश पर किसी और की ज़रूरत के हिसाब से मैं लिखूँ, मैं लिखूँगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो उसमें अपनी मौलिकता समाप्त, मौलिकता रचनात्मकता खत्म होती है। तब आप ये भी पूछ सकती हैं कि जानना चाहें कि साहब आपने तो ये काम भी किया है। नहीं वो तो आपने बताया ना कि रजनी तो बिल्कुल एक धमाकेदार अलग तरीके का है, नहीं समाज को जागरूक तो करने के लिए। सुनिए लेकिन दूसरे सीरियल भी लिखे मैंने, दूसरी पटकथाएं भी लिखी हैं, पर मैंने हमेशा ये ध्यान रखा है, पहली शर्त ये कि मैं उस कहानी के साथ जो मूल रचना है इतना कम परिवर्तन करूँगी, इतना कम वो उतना ही परिवर्तन करूँगी जो दिखाए दृश्य के लिए अनिवार्य है। यानी उसमें मैं अगर कमर्शलाइजेशन जुड़ जाता है कि ऐसे नाच डालो, ऐसे सेक्स डालो, ऐसे हिंसा डालो, ऐसी मैं कभी नहीं करूँगी, वो सब मैं नहीं करूँगी। इसलिए आप मेरी जितनी भी ये दर्पण की 10 कहानियाँ आप देख लीजिए और आप स्वामी देख लीजिए, किस्से में वो सब नहीं है। आपकी कहानियों में स्त्री के संघर्ष का परिचय मिलता है, जो नारी जो मुख्य पात्र है वो बहुत बार कुछ पाना चाहती है, समाज के विरोध करके उसे हासिल करने की कोशिश करती है। इसकी कोई खास वजह या आपकी ज़िंदगी में किसी घटना से प्रेरित होकर आप ऐसी रचनाएं करती हैं? देखिए ऐसा है कि हर कहानी में नारी संघर्ष करके कुछ पा ही लेती है ऐसा नहीं है, कुछ में वो पा लेती है और कुछ में वो खुद टूटती है।
उनके संघर्षों के आगे वो खुद झुक जाती है, टूट जाती है। ये किसी एक घटना से तो मैं नहीं जोड़ सकती, ये पूरे समाज की नारी की स्थिति थी। जब हमने लिखना शुरू किया, स्त्री जागरण कहो, जिसे आज स्त्री विमर्श के नाम से बहुत शोर मचाया जा रहा है, यानी स्त्री में एक ये चेतना कि उसे अब बदलना है, हमेशा समाज या पुरुष के से दबके नहीं रहना है उसके, यानी कि जो समाज ने उसके लिए नियम बना दिए हैं वो सारे नियम पुरुषों के बनाए हुए थे, स्त्री के बनाए हुए तो थे नहीं, जिसमें स्त्री का हमेशा दोयम दर्जा, वो दोयम दर्जा आज भी है, सारे संघर्षों के बाद भी आज स्त्री का दोयम दर्जा ही है, दर्जा दूसरा ही है उसका। लेकिन जो वो समाज की सच्चाई है, वो मेरे अपने, उसमें मेरा अपना जीवन भी आ ही जाता है, लेकिन वास्तव में हमारे समय में स्त्री जिस तरह से संघर्ष कर रही थी अपने लिए कुछ पाने की, समाज से टक्कर लेने की, जिस तरह का वो संघर्ष कर रही थी, वही मेरी कहानियों में चित्रित हुआ है। आज के युग में हिंदी पाठकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, हिंदी में रुचि भी बहुत कम हो गई है, हिंदी की तरफ आकर्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगी? बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा। ये आज का सबसे बड़ा संकट जो है कि हिंदी के प्रति रुचि बहुत कम होती जा रही है। कारण, इसके कभी कारण सोचा है कि क्यों होती चली जाती है? एक तो अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व, शुरू से आज हर कोई अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगा, और अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी के साथ कैरियर जुड़ा हुआ है, जितनी अच्छी नौकरियां, जितने उन सब के इंटरव्यूज अंग्रेजी में होते हैं, वहाँ जाके वो क्या करेगा, IAS का इंटरव्यू देने जाना है, किसी भी अच्छी नौकरी के लिए अगर उसको साक्षात्कार देने जाना है, जाना तो पड़ता है, तो वो क्या करेगा, अंग्रेजी में दिया जाएगा। तो हिंदी से पढ़ने वाला व्यक्ति जो अंग्रेजी का एक मिनिमम ज्ञान रखेगा वो नहीं दे पाएगा। तो कैरियर को आज अंग्रेजी के साथ जोड़ दिया है। अब ये सरकार का काम है, आज सच पूछा जाए अंग्रेजी कि कैसे उसको कम किया जाए, हिंदी की तरफ बढ़ाया जाए, पहली चीज़ तो सरकार को ये बनाना पड़ेगा कि आपको कैरियर के साथ हिंदी जोड़नी पड़ेगी। सारे साक्षात्कार आप हिंदी में लेने लग जाइए, देखिए सारी नौकरियां हिंदी के साथ जोड़ लीजिए, देखिए सब कैसे फटाफट हिंदी सीखना शुरू करेंगे, ये एकदम शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात भी, जैसे तुम कहती हो कि आज हम स्कूल में, कॉलेज में, मैं कॉलेज में थी, मिरांडा हाउस में, किसी विषय में जब एडमिशन ना मिले तो हिंदी में आ जाती थी, मजबूरी में, स्वेच्छा से लेने वाली मुश्किल से 2-4 लड़कियाँ होती थी कि जो इच्छा से हिंदी लेना चाहती हैं, बाकी मजबूरी में ले लेती थी, उनकी कोई रुचि तो नहीं होती थी, जैसे ही कहीं और एडमिशन कर लिया, जुगाड़ बैठी, खट से निकल के वहाँ चली गई। तो ये क्यों, एक तो हिंदी के पाठ्य पुस्तक जो बनी हुई है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक 10-10 साल तक मैं कॉलेज में देख रही थी, वही किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वही किताबें पढ़ाई जा रही है, भाई उनको बदलो, थोड़ा सा नई चीज़ें डालो जो आज के समाज को, आज के समय को चित्रित करने वाली जो रचना है वो क्यों नहीं डालती हो आप, पुरानी उस टाइप की रचनाएं सब। मैं ये नहीं कहती आप पुराने लेखकों को या पुराने कवियों को ना रखें, ज़रूर रखें, पर उसके साथ साथ नयों को भी देते जाएं स्थान, और ज़रा रोचक बनाए पाठ्यक्रम को, जिससे कि हिंदी का पाठक आकृष्ट हो, थोड़ा सा पढ़ने के प्रेरित हो हिंदी के लिए, नहीं होता है। बहुत सारे कारण हैं, सबसे बड़ा कारण तो मैं कहती हूँ कि कैरियर के साथ अंग्रेजी जुड़ी हुई है, इसलिए सही बात है कि सबको कैरियर तो चाहिए। अच्छा, आप हमें अपने विद्यालय जीवन के बारे में कुछ बताएं। अपने विद्यार्थी जब मैं पढ़ती थी उस समय की, आपके तो शायद कोर्स में एक कहानी है भी, है लगी हुई है जी, जी। उसमें वो शुरू का जो हिस्सा है वो अपने विद्यार्थी जीवन का ही से संबंधित ही है वो। मेरा विद्यार्थी जीवन, यानी मैं खास करके, जैसे मैंने 14 पहले हमारे समय में मैट्रिक, इंटर, BA दो, यानी 10वीं तक मैट्रिक होता था, 2 साल का इंटर, 2 साल का BA, ये होता था हमारे
मैं जैसे ही फर्स्ट ईयर में आई, यानी मैं 15वां साल, मैंने 14 साल मैंने मैट्रिक करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, वो देश के हिसाब से देखा जाए आज़ादी की लड़ाई का चरमोत्कर्ष था वो। 47 में आज़ादी मिली, मैं 45 में फर्स्ट ईयर में आई, सारा देश उबल रहा था, खौल रहा था, जिसे कहना चाहिए आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, बच्चे बूढ़े औरतें जिसे जहाँ देखो, लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी थी, ये वो सब कुछ था। हमें भी मिस अग्रवाल ने, जोश तो हमको बहुत था लेकिन सक्रिय रूप से उसमें भाग लेने का अवसर मिस अग्रवाल की वजह से हमको मिला। उन्होंने कहा कि देखो तुम क्या कॉलेज में बैठी रहती हो, लोग हड़तालें करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, प्रभात फेरियाँ हो रही हैं। हमने फिर उसमें भाग लेना, सवेरे प्रभात फेरी में निकल जाते, फिर कहीं हड़तालें करवाना होता था, कहीं भाषण देने होते थे, कहीं कुछ करना होता था, उस उम्र में जितना भाषण वाषण, पर अपने हिसाब से मुझे लगता है कि खासा मेरी ज़िंदगी का अगर मैं स्वर्ण युग किसी को कहती हूँ तो वही पीरियड है। वैसे हमारे घर में सारी राजनीतिक पार्टियाँ जितनी भी थीं उनके लोग आते थे, बहस होती थी, रोज़ शाम को जमावड़ा होता था, पिताजी खुद नहीं जाते थे, उन्हीं के पास आते थे, तो चाय नाश्ते के लिए मैं ही आती थी, तो वह बैठो जानो कि देश में क्या हो रहा है, समझो कि देश में क्या हो रहा है। अब उस समय एक राजनीतिक पार्टी का दूसरी राजनीतिक पार्टी से क्या भेद था, बहुत डिटेल में मेरी समझ में नहीं आता था, सुनती थी कोशिश। मिस अग्रवाल ने कहा कि केवल जानो ही नहीं, इसमें भाग भी लो, केवल घर में बैठ के नहीं सब कुछ समझो, सक्रिय हो, बाहर निकलो इसे, और तब उन्होंने निकाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं बता नहीं सकती कि मिस अग्रवाल का योगदान मेरे जीवन में इतना बड़ा रहा है, चाहे वो साहित्य क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में रहा हो, कह नहीं सकती।